ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरुपरं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मंच पर विराजमान इसी ग्राम के परम आदरणीय श्री नरसिंह बाबा संत नगर कटोरिया से पधारे हुए परम आदरणीय श्री मनमोहन बाबू सोमनाथपुर सदगुरु कबीर आश्रम से पधारे हुए संत श्री सुमिरन साहब जी एवं उपस्थित अन्य गण्यमान सज्जनों तथा देवियों, चैटौला स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित दो दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम सत्र में हम लोग अभी बहुत सारे विचार सुने हैं, कुछ भजन भी सुने हैं। प्रथम सत्र के निवेदन में हमारे पूज्य नरसिंह बाबा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के एक पद को रखा उन्होंने, उस पर थोड़ा सा निवेदन किया कि जीवन काल में ही मुक्ति संभव है। सबसे पहली बात है कि किसी भी मनुष्य को यह समझना चाहिए हम भगवान को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, यह दुविधापूर्ण विषय है। लेकिन हम जीवन को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, यह दुविधापूर्ण विषय नहीं है। जीवन सबके पास है और जीवन का अनुभव सबको है। परमात्मा ईश्वर का चिंतन करने पर कुछ लोग उसमें हाँ कह सकते हैं, कुछ लोग ना कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम मानते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम नहीं मानते हैं। किसी से पूछेंगे तो कुछ कहेंगे कि हमने देखा है, कुछ कहेंगे हमने नहीं देखा है। लेकिन जीवन हमारे पास है कि नहीं, जीवन को हम देख रहे हैं कि नहीं, जीवन को हम जी रहे हैं कि नहीं, ये संदेह का विषय नहीं। ये निर्विवाद सत्य है कि जीवन हमारे पास है और इस जीवन को दुख से मुक्त कौन नहीं करना चाहता है, चाहे वह किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो,
हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी संप्रदाय के, किसी भी चीज से संबंध रखने वाला हो, जिसके पास भी जीवन है और अपने जीवन में उसे दुख की अनुभूति हो रही है, तो वो येन केन प्रकारेन उस दुख से मुक्त होने का वो प्रयास करता है। कबीर साहब ने इस जीवन के विषय में कहा कि आज के इस परिवेश में मनुष्य का जीवन अत्यंत दुखों से भर गया है। इसलिए उनके एक वाणी में आया है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हों जब राम ही जानी। इसका अर्थ हुआ कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मानव, तुम्हारा जीवन एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के दुखों से दब गया है। यदि इस दुखों के भार से तुम मुक्त होना चाहते हो तो राम तत्व को जानो। कबीर साहब ने यह मानो नहीं कहा, मानने में क्या है सुविधा है, और जानने में क्या है थोड़ा मेहनत है, थोड़ी तपस्या है, थोड़ी साधना है। मानना आसान होता है, जानना थोड़ा कठिन होता है। कबीर साहब का मार्ग मानने का मार्ग नहीं है, कबीर साहब का मार्ग जानने का मार्ग है। घर में कोई सदस्य है, कितना ही क्यों न प्रिय है, वो पानी पी ले और हम केवल मान ले कि हमारे पिता ने पानी पी लिया है तो हमें पीने की आवश्यकता नहीं, तो प्यास बुझ जाएगी। पिता ने माता ने भोजन कर लिया, वो कर लिए, बस हमको करने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेने की आवश्यकता है, तो क्या भूख मिट जाएगी। माता पिता कपड़े पहन लिए हैं, मेरे माता पिता ने कपड़ा पहना, हमें पहनने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेना है कि माता पिता ने पहन लिया तो मेरा भी पहना हुआ हो गया, तो मानने से हो जाएगा। माता पिता के कपड़े पहनने से मेरा नंगापन दूर नहीं हो सकता है, माता पिता के भोजन कर लेने से मेरे पेट की भूख नहीं मिट सकती है, माता पिता दादा दादी पूर्वजों के केवल पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो परिवार हो चाहे समाज हो चाहे परंपरा हो, किसी के भोजन कर लेने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, किसी के कपड़े पहन लेने से हमारा नंगापन खत्म नहीं हो सकता, किसी के पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। तो किसी ने ईश्वर को देखा या किसी ने महसूस किया, सिर्फ इतना मान लेने से हमें ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी, धर्म की अनुभूति कैसे होगी, अध्यात्म की अनुभूति कैसे होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हें मानने पे नहीं रोक सकता हूं, परमात्मा होता है ये मानो मत, परमात्मा को जानो। ईश्वर होता है केवल इतना मानो, मान करके संतोष मत करो, ईश्वर होता है उसको जानो। जानने के बाद जब तुम्हारे अनुभव के तल पर उतर जाए तब तुम कहना कि हाँ मैंने पा लिया, मीरा पाई थी, वो किसी के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बता रही, जब वो पा गई अपने हृदय में तब झूम करके गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा अपने अनुभव के तल पर उस राम तत्व को जानी थी तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। जब बुद्ध अपने अनुभव के तल पर उस रामत्व को जाना था, उस ब्रह्मत्व को जाना था, तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। लेकिन हम थोड़ा सस्ता खोजते हैं, मान लेते हैं बस, कोई मनवाने वाला भी है, सस्ता सौदा बेचने वाला भी है दुनिया में, एक नहीं हजारों है, लाखों है, जो केवल ये कह देता है कि केवल धर्म को मान लो। धर्म मानने का विषय नहीं है, धर्म जानने का और जान करके उसे करने का विषय है। मैंने कहा कि जीवन को जो व्यक्ति समझ लेगा,
जीवन को जो व्यक्ति समझ करके जिएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही धर्म होना शुरू हो जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही भक्ति होना शुरू हो जाएगा। हम जीवन की बड़ी अवहेलना करते हैं, हम जीवन के प्रति बड़ा अनजान है। जो जीवन को समझ जाएगा उसे राम समझने में देरी नहीं लगेगी, जो जीवन को समझ जाएगा उसे शिव समझने में, कल्याण तत्व समझने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है कि हम फार्मूला को समझे बगैर हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं, बस प्रश्न सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। हम फार्मूला समझते नहीं है, कॉपी कलम लेके हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं, परिणाम यह होता है कि सही उत्तर कभी निकल नहीं पाता है। यदि जीवन का सही उत्तर निकालना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तुम्हारा जीवन एक नहीं हजारों प्रकार के दुखों से, हजारों प्रकार के समस्याओं से दबा हुआ है। और उस दुख के दबाव से जीवन को मुक्त करना चाहते हो, उस दुख के दबाव से जीवन को, अपने चित्त को, अपने मन को मुक्त करना चाहते हो, परम सुख, परम तृप्ति और परम आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो सारे सवालों का, सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हों जब राम ही जानी, तब तुम उस दुख से बचोगे जब राम तत्व को जानोगे।